तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमने यहाँ पर कितने मजे किए। और जीतू भैया से आप नहीं मिले होंगे, जीतू भैया बाद में आए थे लेकिन रात को पूरा हम साथ थे, वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करा नहीं पाया। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जीतू सिंह है। करनी क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है गारमेंट की, गुजरात में और चेन्नई बैंगलोर सब जगह। तो हमें एक अच्छा दोस्त मुसाफिर मिला है जो हमारे साथ आगे ज्वाइंट हुआ है। मुझे बहुत सी एडवेंचर्स लाइफ वापस प्रीवियस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी काफी, मतलब भैया भी, ये भैया भी, बाकी इधर के एम्प्लॉयज भी जो दिख रहे हैं जिन्होंने मेरा स्वागत किया, को बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। और रात को जो हमने एक्सपीरियंस लिया वो, और जो कल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आप लोगों की तरफ से। तो अभी के लिए तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही है क्योंकि आगे सफर में बढ़ना है वरना मैं और रुकता यहाँ से मन हटेगा तो, लेकिन चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा रोहित, मिलकर तुमसे मुझे भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा मिल जाकर उसे। कल के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल के लिए एक यादगार जो पल था वो आप लोगों ने मेरे लिए क्रिएट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी यात्रा में आगे, तो आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए, मतलब की फायदे की होंगी, तो प्लीज मुझे आगे के लिए मोटिवेट करो। चालू थे 15 दिवस थी गया, पूरा आखो 7-8 महीना साइकिल पर फरसे। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पूरा कंप्लीट कर से साइकिल की बराबर। तो आप लोगों की शुभकामनाएं की जरूरत है मुझे, आशीर्वाद आप जो आशीर्वाद आपका। और यानो जो जो पण ये YouTube चलावे ना, जो पण बहनो YouTube चलावे यानो पेज छे, यानो फोटो मोकली दे बता ने, एने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यानो फॉलो करो और आगे शेयर करो कि भाई कंपनी में आ गया था, बराबर ना भाई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सभी से मिलके, बाय। हर हर महादेव। तो निकल गया हूँ मैं वहाँ से, उनकी कंपनी से, जो प्यार दिया उन्होंने, जो सम्मान दिया और जो वेलकम किया मेरा, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। मतलब मुझे बिल्कुल अपने से अलग फील नहीं होने दिया उन्होंने। एक नई फैमिली, एक नए दोस्त मिले मुझे, फैमिली जैसे दोस्त बिल्कुल। और बात करके इतना अच्छा लगा सभी से, सुभाष भैया से, जीतू भैया से। जीतू भैया से तो बिल्कुल मेरी सोच बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही थी लगभग पूरी पूरी, क्योंकि वो भी एक सोलो ट्रैवलर हैं और उन्हें भी थोड़ा ऐसा मेरे जैसा ही, मतलब मुझे उनके जैसा, वो मेरे से बड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। और उनकी कंपनीज आगे भी हैं अपना बैंगलोर, ये अपना चेन्नई, तो उधर भी देखते हैं मिलेंगे अगर रूट में पड़ेगा तो। बैंगलोर तो पड़ेगा रूट में, बाकी मैं आगे अपना अहमदाबाद आज दिख रही है सामने, ये पुलिस वाले ने रोकी लेकिन ये भाग गया। अब पुलिस वाले उसका पीछा करेंगे, रोक लिया उस बस को, वो भी उन्होंने इधर वॉकी टॉकी से कर दिया होगा मामला। आज क्रॉस कर जाऊंगा, अंदाजा ये है अहमदाबाद, बहुत मतलब इतना भी, हाँ 40+ किलोमीटर है, तो उससे थोड़ा आगे कई टारगेट रहेगा। वैसे अहमदाबाद में कई लोगों ने मिलने के लिए बुलाया था लेकिन मैं थोड़ा आगे चला जाऊंगा आज, क्योंकि ज़्यादा छोटा टारगेट नहीं रखूंगा, कल भी छोटा टारगेट था 35 किलोमीटर का, कल इन्जॉय हो गया बहुत, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है इधर ठंडी हवाएं चलने लगी है, पहले से अभी थोड़ा ठंडा ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन साइकिल चलाते वक्त कुछ फील नहीं होता। और वैसे अगर होता भी है तो एक जैकेट वैसे मैंने वो पूरे कर दिया मोटी, लेकिन आज मुझे सुभाष भैया और जीतू भैया जिनकी फैक्ट्री में था, वो कपड़े की फैक्ट्री थी, उन्होंने मुझे एक डेनिम गिफ्ट किया। और कमाल की बात तो ये है, इतना पतला हूँ मैं, उसके बाद भी वो जो उनका डेनिम था जो कि मेरे को फिट आ गया, मतलब वो कह रहे थे कि भाई तेरे लिए बना था ये वो एक कोइंसिडेंस था, लेकिन बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस था। वो मैं दिखा नहीं पाया, बैग में रखा है। और जो 60 किलोमीटर दूर से श्रीकांत जी, कल की वीडियो में देखा होगा आपने, वो जो मिलने आए थे सुबह, निकल गए वो जल्दी क्योंकि उनका बिजनेस भी है, तो भाई साहब वो मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे, इतने खतरनाक खतरनाक नाम थे उन चीज़ों के, मैं नाम भूल गया उसका, वो क्या ये अपना एक याद है मुझे, खाखरा और चिक्की, मतलब गज्जक और 2-3 चीज़ों के बड़ा खतरनाक नाम थे, मैं भूल गया। मैंने खांडवा और ये सब खाया, सब बहुत खतरनाक खतरनाक बम खाए मतलब मस्त नाम थे उनके भी, मतलब मैं जेठालाल में देखता था ये सब अभी तक, और अभी मैंने ट्राई किया तो मज़ा आया, अच्छा लगा। मैं हंस रहा था मन मन में, ये जेठालाल में देखते थे अब तक, ये खाखड़ा फाफड़ा खांडवा ढोकला, ढोकला तो खाया था
इधर मीठी कढ़ी के साथ खाते हैं जो कि जबरदस्त लगता है। सुबह भी हम मेथी कट्टा और धुतला और कढ़ी खा के आया, मजा आया। ये आपको ऑटो में सामने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली में नमक है, इसको तोड़ के ऐसा कुछ करके फिर इसमें देते हैं आपको, ये हर जगह ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे। मैं अभी कौन सी जगह पर वैसे? ये गांधीनगर चांदखेड़ा बोलो, चांदखेड़ा में मुझे आपका नाम एमडी चौधरी जी ट्रैक करते हुए आए, लोकेशन मेरा ये पीछा कर रहे थे काफी देर से, वैसे मैं इधर गलत आ गया था लेकिन फिर भी मुझे ट्रैक करते हुए पहुंच गए, और ये लोग मुझे सजेशन में इन्होंने मेरे को यूट्यूब पर देख लिया था, थोड़ा सा फेमस मैं भी हो रहा हूँ तो ये भैया ने भी पहचान लिया, तो मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया यहाँ पर, और थोड़ा सा खाना पीना हो गया, और मैं अपना काम भी थोड़ा सा खत्म कर लिया, तो बाकी लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, आगे तक के लिए थोड़ी सी हेल्प हो गई मेरी, और मोटिवेशन जो मिला वो तो अलग ही है। गलती से हम सिटी में घुस गए, अब ये देखो इधर का नज़ारा, थोड़ा आगे जाके हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, ये देखो जा रही है फिर भी घुसेड़ा जा रहा था गाड़ी। यहाँ पे ऐसे चाय मतलब मिलती है, और भाई काफ़ी मस्त चाय थी, मैंने पी अभी। ये इधर लोकेशन मैं छाछ पी रहा था तो चारों तरफ बिखर गई, कुछ तो मैंने साफ़ कर दिया, कुछ मतलब लगभग हो ही गया, मैंने गीला गमछा करके साफ़ किया इसे, कुछ जगह का फ़ोन वन सब पे गिर गई थी, पूरा मुंह शर्ट वर्ट सब भर गया था, तुम देखते तो हंसते यार। तो जिधर मुझे पहुंचना है उससे मैं लगभग 15-20 किलोमीटर दूर हूँ, और अहमदाबाद सिटी से तो बाहर आ गया हूँ शायद, मैं शायद क्या आ ही गया हूँ, मैं बाबला की जगह है वो भी मैंने क्रॉस कर दिया है, और ये इधर का नज़ारा है, अब थोड़ा गांव वाला या इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं वो शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ वैसा नहीं है कि बिल्कुल भीड़ है, कुछ नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा मन लग जाता है और चलने का आगे मन करता है। ये अपनी लोकेशन पे, और ये स्टैंड का तो तामझाम टूट गया पूरा ही, क्योंकि इसमें बस एक प्लास्टिक पटका हुआ था, बताओ क्या ही मजबूत होगा इस पर, हमने वेल्डिंग करके जुगाड़ किया लेकिन ये प्लास्टिक का क्या ही करेंगे, और इतना सामान मैं इसी पे छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, या खोल के ले चलूँ, वैसे तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होटल है ये, यहाँ पर मेरे दो सब्सक्राइबर रास्ते में मिले थे तो उन्होंने ही मेरा अरेंजमेंट यहाँ पर करा दिया, और मेरे को रूम मिल गया है और उतना काफ़ी है मेरे लिए, उसमें गर्म पानी आता है और वॉशरूम है, सबसे बढ़िया बात मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा और खाना पीना सब यहीं पर। तो ये सब कल जो हमारे से 7 किलोमीटर दूर से मिलने आए थे ना वो लेके आए हैं, अब तो गुजराती पढ़ने में नहीं आ रही, लेकिन ये मुझे अच्छा, ये मूँगफली है, ये है कुछ हलवा टाइप से है, लेकिन ये बड़ा इसमें तेल सा निकल रहा है, इसे आराम से रखते हैं। ये है चने, ये खाखरा तो पता है मुझे, और ये है चिक्की और ऐसा कुछ। तो अभी नहा वहा के आ गए हैं, तो अब जाएंगे खाना वाना खाएंगे, फिर अपना काम वाम कंप्लीट करेंगे, करीब 8:30 बज रहे होंगे, पंखा चला के इसे छोड़ रखा है, वैसे इधर गर्मी भी है और मेरा गमछा भी गीला है, और जाता हूँ मैं खाना वाना खा के आता हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोशिश करूँगा और अच्छा कुछ देने की, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बताना, ना अच्छी लगी हो तो क्यों अच्छी नहीं लगी वो भी कमेंट बताना।